नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके जिद्दी सफ़ेद बालों की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़ चुके हैं और आपसे मेरी छोटी सी विनती है, यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सफ़ेद बालों की परेशानी आज की डेट में हर एक व्यक्ति के साथ देखी जाने लगी है। साथ ही साथ यह परेशानी कम उम्र के व्यक्ति के साथ बहुत ही तेजी से उत्पन्न होने लगी है, जिसकी वजह से अक्सर लोग चिंतित होकर के तनाव में आकर तरह तरह की क्रीमें लगाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, तरह तरह के तेल लगाते हैं, परंतु उनके बाल काले नहीं हो पाते, उल्टा और उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है अधिक मात्रा में अनहेल्दी डाइट खाना, जिसकी वजह से आपके बालों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते और उसी की वजह से आपके बाल सफ़ेद होते हैं, साथ साथ उम्र से पहले ही झड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आप गंजेपन के भी शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, हमारी पर्सनैलिटी को पूरी निखारने में हमारे बाल और चेहरे का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की खामियाँ होती है तो हम बदसूरत दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, आज की उम्र में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाली है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपके सफ़ेद बाल जड़ से काले होंगे, साथ साथ आपके बालों को लंबा, घना भी, मोटा भी बनाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको एक क्लीन कटोरी लेनी सबसे पहले कुछ इस प्रकार से, और आपको इसके अंदर सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो लेना है वो है दोस्तों ये आपको लेना है, और आपको इसे कम से कम एक चम्मच के तकरीबन ले लेना है। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, जितनी मात्रा में मैं चीज़ें ले रहा हूँ आपको भी उतनी मात्रा में चीज़ें लेनी है। दोस्तों, कैस्टर ऑयल में वाइटामिन ई पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट, जो कि दोस्तों आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला करता है, आपके बालों को मजबूती देता है और आपके बालों को हेल्दी रखता है। तो आपको करना क्या है, इतनी सी मात्रा में ये कैस्टर ऑयल ले लेना है। अब आपको इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट जो लेना है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कारगर है और इस नुस्खे को तैयार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्षम रहेगा, वो है दोस्तों हमारा ये पतंजलि का तेजस तेलम ऑयल। ये दोस्तों हमारे बालों की रक्षा करता है और हमारे बालों को सुंदरता देता है, साथ ही साथ हमारे सफ़ेद बालों को जल्द से जल्द काला बनाने में भी कारगर साबित रहता है। दोस्तों, इसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम B12, कैल्शियम B2 और वाइटामिन सी पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों हमारे सफ़ेद बालों को काला करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर माना जाता है। दोस्तों, आपको करना क्या है, अब आपको इसके अंदर कम से कम 2 चम्मच के तकरीबन हमारा ये तेल ले लेना है, तेजस तेलम ऑयल, कुछ इस प्रकार से। अब आपको इसके अंदर लास्ट और आखिरी इंग्रेडिएंट जो लेना है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वो है दोस्तों ये। आपको इसे ये 1 चम्मच लेना है, फिर ये आपको 2 चम्मच ले लेना है। अब आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे प्रकार से चला लेना है, कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, चला लेंगे दोस्तों यह नुस्खा आपको कुछ इस प्रकार से नजर आने लगेगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस नुस्खे को लगाने की विधि, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। दोस्तों, जैसे आप नॉर्मली अपने बालों पर क्रीम लगाते हैं, वैसे ही आपको इस नुस्खे को लगाना है, जड़ से लेकर के सिरे तक लगाना है। फिर आपको इसे 5 से 10 मिनट तक हल्के से मसाज करने, जिससे कि ब्लड का संचार होगा और इसके जितने भी न्यूट्रिशन है वो आपके बालों में समा जाएंगे, जिससे कि होगा आपके सफ़ेद बाल धीरे धीरे काले होने लगेंगे, साथ साथ आपके बाल हेल्दी भी रहेंगे। तो फिर आपको इसे 1 घंटे तक यूं ही लगे छोड़ देना है। 1 घंटे यूं लगे छोड़ देने के बाद आपको अपने बालों को साफ पानी से धो लेना है। आप देखेंगे आपके बालों का टूटना भी झड़ना खत्म हो चुका है, साथ ही साथ आपके सफ़ेद बाल जड़ से काले होने लगे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स मित्र इस परेशानी जूझ रहा हूँ उन भाई के साथ भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक शेयर कीजिए। धन्यवाद।